अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिक्स ऑफ ऑल समथिंग ऑफ एवरीथिंग। अभी अभी हम मेरी सास के यहाँ से निकले हैं। हम अभी बम्बू बाजार के जंक्शन पे खड़े हैं। ये सामने वाला जो रोड दिख रहा है आपको, वो बम्बू बाजार जाने वाला रोड है। देखिए, हम थोड़ी बहुत लाइटिंग आपको दिखाने वाले हैं अभी। मैसूर दसरा की लाइटिंग ऑन हो चुकी है। अभी हम हाईवे सर्कल की तरफ जाने वाले हैं। देखिए कैसे जगमगा रहा है सारा रास्ता। हर एक 10 फीट के डिस्टेंस पे लाइटिंग की हुई है, पोल्स लगाए हुए हैं। और ये देखिए स्टेयर्स, ये जब ही पहले सालों पहले से यहाँ मैसूर में दसरा सेलिब्रेशन होता है तो ये स्टेयर्स पहले से बनी है। यहाँ के जो राजा वड़ियर थे उन्होंने बनवाए थे ताकि लोग दसरा देख पाए यहाँ बैठकर। तो अभी भी ये सारी सीढ़ियाँ वैसे ही बनी हुई है इस रोड पे। और जब दसरा आने वाला होता है, यानी दसरा के थोड़े दिनों पहले, 5-6 दिन पहले से बैरिगार्ड्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी के लिए देखिए बैरिगार्ड्स तो लगना शुरू नहीं हुए हैं। यहाँ पे लाइटिंग से सारा मैसूर जगमगाता है और ये सिटी एरिया है। और यहीं से प्रोसेशन उस दिन जाके बाल भवन पहुँचेगा और बाल भवन में इवनिंग का फंक्शन होगा। देखिए इस रोड में जो भी शोरूम्स वगैरह है वो भी अपने आप से लाइटिंग करवाते हैं। देखिए सर्कल, हाईवे सर्कल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। दसरा के टाइम पर दुनिया भर से लोग आते हैं मैसूर दसरा देखने के लिए, तो अच्छा बिजनेस होता है। तो देखिए ये होटल में भी कुछ लाइटिंग हुई है। और बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था लाइटिंग के लिए, अभी फिर से लाइटिंग ऑन हो गई है। यहाँ देखिए खान दरबार, स्टार होटल सभी हैं यहाँ पे। ये बाल भवन का एंट्रेंस है, उस दिन हम अंदर भी गए थे, वहाँ भी सारी लाइटिंग हुई है। अभी हम आगे जाने वाले हैं LIC सर्कल पे और LIC सर्कल में कंप्लीट डेकोरेशन हो चुका है। देखिए LIC सर्कल बहुत सारे लाइटों से जगमगा रहा है। आज संडे का दिन है और देखिए यहाँ पे लाइटिंग की भरमार है। देखिए LIC सर्कल को भी कैसे संवारा है। और यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न्स बने हैं लाइटिंग से। और वो रहा किसी टेंपल का डेकोरेशन किया है लाइटिंग से इन्होंने। और अगर आगे वहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्टैचूस वगैरह भी बने हैं लाइटिंग से। देखिए ये गृहलक्ष्मी जो योजना बनाई है हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट ने, तो उसका पिक्चराइजेशन किया है यहाँ पे। गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्य भाग और युवा निधि का जो है और उसके बारे में बनाया है। इस तरह से पेड़ों को भी यहाँ पे डेकोरेट किया है। ये हर हमेशा ऐसे ही होता है डेकोरेशन। यहाँ से बेहतर नजारा लग रहा है। देखिए इधर राइट में पोल्स बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स को ही डेकोरेट किया है और लेफ्ट के जितने भी पेड़ हैं उन्हें डेकोरेट किया है। तो जो भी यहाँ बन्नी मंडप में रहते हैं उन्हें तो बहुत स्पेशल फील होता है दसरा के दौरान, क्योंकि वो यहीं से आना जाना काम पर अगर जाए तो, या फिर एक सब्जी भी लेने अगर बाहर जाए तो रात में उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। आज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज लाइटिंग ऑन होगी, लेकिन बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज हमें ये लाइटिंग आपको दिखाने मिली। और आप भी हमारे वीडियो को देखें और बताइए कि आपको ये लाइटिंग कैसे लगी और आपके शहर में दसरा कैसे मनाया जाता है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
अभी आगे हमें रिंग रोड मिलेगा, उससे पहले जेएसएस डेंटल कॉलेज और दूसरी जगहें भी मिल जाएंगी। यहाँ पे बड़ा सा लॉयल वर्ल्ड का दुकान है, वो भी मिलेगा राइट में। ये देखिए, यही वो बिल्डिंग है, सनफ्लावर होटल। इसमें होटल, लॉयल वर्ल्ड सभी है। और यहाँ राइट में फार्मेसी कॉलेज और लेफ्ट में जेएसएस डेंटल कॉलेज है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको, जब हमने तैयारियाँ आपको दिखाई थी दसरा की। अगर आपने वो वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जल्दी देखिए, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बीच में झूमर भी लगाए हैं इन्होंने, पेड़ों से लटके हुए हैं झूमर। वो रहा फंक्शन हॉल, ये पिछली बार भी आपको बताया था मैंने। यहाँ हमेशा ही डेकोरेशन रहती है क्योंकि शादी वगैरह होते रहते हैं। और देखिए, ये रास्ते में सेम लाइटिंग है वहां तक भी। अगर हम क्यार सर्कल वगैरह जाएंगे तो डिफरेंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, उसके लिए हमें टू व्हीलर में जाना होगा। तो फ्यूचर डेज में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक जगह अच्छा खासा बिजनेस होता है दसरा के दौरान, क्योंकि सारे टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, अच्छी खासी लाइटिंग हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो जो मैंने मेंशन किया था लास्ट व्लॉग में, हैप्पी दसरा वाली लाइटिंग ऑन नहीं की है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस झूमरों के ऊपर हैप्पी दसरा लिखा हुआ है। देखिए अभी से कितनी ट्रैफिक बढ़ गई है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने हॉस्पिटल को भी रंगीन कर दिया है। तो अभी हम रिंग रोड पर आ गए हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे घर। और उम्मीद है कि जितनी भी लाइटिंग आपको दिखाई हमने वो आपको पसंद आई, और जितनी अभी बाकी है वो हम कभी टू व्हीलर पे जाके आपको उसका नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी के लिए आप देखिए ये ट्रैफिक। तो इसी ट्रैफिक वाले सीन के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ट्रैफिक तो क्लियर हो गया, तो अभी आगे हमें उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया आ जाता है। और हम जाने वाले हैं वापस घर। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जगमगाता वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो कल ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।